अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, अल्लाह से दुआ है। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत दे, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे। आज मैंने 6 टुकड़ों के काट लिए हैं और ये मैंने बर्तन रख लिए और नीचे गैस भी ऑन कर दिया है। अब कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको साथ साथ में बताती हूँ। ये मैंने देसी घी लिए, ये डाल दूँगी ब्रेड के लिए। आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो। ये नहीं है कि देसी घी होगा तो बनेंगे, जो आपके पास आसानी से मिल जाए आपको तो वही सही है। मक्खन भी डाल सकते हैं और साथ में ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल वो डालें जिसमें खुशबू ना हो, क्योंकि खुशबू होगी तो फिर मीठी में से आएगी। डाल देते हैं, घी कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। इसका ये नहीं है ये कम डाला या ज़्यादा डाला, वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। घी एक साइड से हो गया था तो मैंने थोड़ा इस तरह फ्राई पैन थोड़ा किया कि दूसरी साइड पे भी घी अच्छे से लग जाए। यहाँ पे मुझे थोड़ा ब्रेड पे कम लग रहा है घी, मैं और डाल रही हूँ। आप भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया अभी फिर बता रही हूँ। बस ये है कि ब्रेड अच्छे से लाल हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, ये ना हो के खुशक हो जाए, ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी नरम अच्छी सी बन जाए। ये देखें कितना अच्छे से कलर आ गए, इस तरह कलर आ जाना चाहिए। थोड़ा गैस मुझे तेज़ लग रहा है, इसको और हल्का कर रही हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से हो जाए। इसके बीच बीच दरमियान में हल्का जिस तरफ से अगर नहीं हो रही तो फिर आप उसको दोबारा भी पलटी कर सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छी सी हो जानी चाहिए। ये देखें अच्छे से दोनों तरफ से हो गई है। इस तरह मैं सारी कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने घी और डाल दिया है इस तरह। पान अच्छे से गर्म हो गए, अब बाकी की ब्रेड डाल देती हूँ मैं। फ्राई पैन थोड़ा मैंने घुमा लिया सारी जगह पे घी हो। ब्रेड की कटिंग अपनी मर्जी से जिस तरह भी काट लें कर लें, इसके वो कोई नहीं है कि इस तरह कटिंग करेंगे या उस तरह करेंगे। जिस तरह आपको अच्छी लगती है उस तरह आप काट लें। बर्तन मैंने ऊपर रख दिया और साथ में मैंने दूध भी डाल दिया। अब दूध गर्म हो जाए, दूध हल्का गर्म हो गया। अब इसमें 2 कप मीठा डाल देती हूँ, चीनी मैंने 2 चम्मच डाली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 2 डाली है। साथ में ये स्पेशलर चला दूंगी, चीनी नीचे ना लगे। दूध में बाली आ गई है, थोड़ी सी इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ, इससे थोड़ी खुशबू अच्छी आती है। दूध में इसलिए उबाल रही हूँ थोड़ा गाढ़ा हो जाए,
थोड़ी गलाई भी अच्छी से आ जाए। तकरीबन 5-6 मिनट हो गए मुझे दूध उबालते हुए। अब मैं थोड़ा सा कस्टर्ड डाल लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। ये हो गया, अब मैं गैस बंद कर दूंगी। 2-3 मिनट मैंने कस्टर्ड डाल के इसको पकाया है, पकाना अच्छे से, वरना कच्चा कच्चा होगा तो फिर खुशबू आती है इसकी। कितने अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी बन गए शाही टुकड़े। इस तरह घी लगा के, ऑयल लगा के या मक्खन लगा के आप लोग भी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने बर्तन ले लिए, अब इसमें ये करूंगी। फ्रूट खुशबू जो है वो अपने हिसाब से या अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं। मैंने ये डाला है, ये बादाम है, इस तरह जो बाकी बच्चे हुए बादाम है वो मैं डाल देती हूँ इस तरह। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से तैयार हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। ये देखिए शाही टुकड़े माशाल्लाह तैयार हो गए, कितने अच्छे बने हैं। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका ही प्यार हमारे लिए सब कुछ है। आप लोग देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। कुछ चीज़ अगर मिस हो जाए तो आप हमें बता सकते हैं कि ये समझ नहीं आ रही, तो हम दूसरी वीडियो बना के आपको बता देंगे।